हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप की एंड इस समय अपने करंट अफेयर्स से, इस समय ग्लोबल सिनेरियो के उससे, इस समय जो करंट रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जो इंडिया के, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये जो क्वाड है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो गए हैं जापान, एंड जापान में ये जो चार कंट्रीज़ हैं जो इसकी पार्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो ये चार कंट्रीज़ को हम देखेंगे कि ये QSD जो है बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, देखिए नेम इट्सेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी अबाउट दिस रीजन। ये किस रीजन की बात हो रही है? ये इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है। अब इंडो पैसिफिक रीजन में चाहे हम ट्रेड की बात करें, इंडो पैसिफिक रीजन में चाहे हम बायोडायवर्सिटी की बात करें, है ना, ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत बड़ा मेजर चंक है वर्ल्ड का, चाहे ट्रेड के आउटपुट से, पॉपुलेशन के आउटपुट से, नेचुरल जो अपनी जो बायोडायवर्सिटी है उसके एस्पेक्ट से एक बहुत बड़ा रीजन है, कंजम्पशन के लिए एस्पेक्ट से भी एंड प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से भी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। अब इतना इम्पॉर्टेंट अगर कोई एरिया है, कोई चीज़ है, हालांकि हर चीज़ में पीस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन अगर इतनी सारी चीज़ें उससे इंटरकनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली एक पीस एंड कोई भी थ्रेट उस रीजन में ना हो, कोई भी टाइप का कोएजन जो है उस रीजन में ना हो, कोई भी टाइप का रोड ब्लॉक उस रीजन में ना हो, आई विल कॉल इट एज रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रेड के एस्पेक्ट से कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरी कंट्री है वो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रेट करने का प्रयास कर रही है कि डोंट डू दिस, है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हैं या कोई नेवल एक्सरसाइज है जिसको हमको करना है, या कोई कोई पोर्ट है जो डेवलप करना है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, अगर दूसरी कंट्री हमारे जो साथ है या हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो उस चीज़ में अगर रोड ब्लॉक का काम करती है तो डेफिनेटली सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा डेवलपमेंट का। ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको समझना है कि जो क्वाड आज हम न्यूज़ में देख रहे हैं या जो क्वाड हम चीज़ों को समझने के प्रयास करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। जो मेंबर्स हैं हर आदमी जानता है कि इसका मेंबर्स US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, लेकिन ये मेंबर्स क्यों साथ आए, किस रीजन के लिए आए, तो रीजन है इंडो पैसिफिक। किस चीज़ के लिए आए? डेफिनेटली ट्रेड, पीस इन द रीजन, प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, ये जो चीज़ें हैं ये मेन एजेंडा है, और टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, है ना। एंड इसके पैरेलली जो अपनी मालाबार एक्साइज चलती है जो नेवल की, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे और इस वीडियो में और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ अगर हो रही है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा जो एक वर्क है, जो ट्रेड की बात करें, वर्क की बात करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, तो वो ओपन होना चाहिए, प्रॉस्पेरस होना चाहिए, इंक्लूसिव। इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉस्पेरस वो और ओपन कब रहेगा? जब वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जब उसमें ये जो रोड ब्लॉक्स की हम बात कर रहे थे, किसी भी प्रकार का कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, देन ओनली अ रीजन कैन बी कॉल्ड एज अ प्रॉस्पेरस रीजन और अ प्रोटेक्टेड रीजन। अगर हम देखें ये जो ग्रुप है, ये फर्स्ट टाइम जो क्वाड की अगर हम बात कर रहे थे, जो हम क्वाड की बात कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम जो है जब एशियन समिट हो रहा था, कब, 2007 में, तो एशियन समिट के ही साइडलाइन में ये ग्रुप जो है बेसिकली मिला था। फर्स्ट टाइम कब मिला था? 2007 मिला था। और ये रेगुलरली
कहीं ना कहीं डायलॉग्स हैं, मीटिंग्स हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हैं, ये कुछ ना कुछ जो है सबमिट्स हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। साथ में मिलिट्री के ड्रिल्स, स्पेशली नेवल, स्पेशली जो हमारी नेवल फोर्सेस हैं, जो हम मालाबार एक्साइज की जो बात कर रहे थे, है ना, जो मालाबार एक्साइज की बात कर रहे थे कि इसके साइडलाइंस में, है ना, अगर आप बात करेंगे, जब हमने अपनी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी जब 1991 में अडॉप्ट करी थी, 1991 में, उसी के बाद हमारा जो इंडिया एंड यूएस का रिलेशनशिप है, हमारी जो नेवल की एक्साइज है, वो उसी समय स्टार्ट हो गई थी। एंड उसी से अगर देखा जाए, धीरे 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 जो दोनों कंट्रीज़ की जो एक्सरसाइज में जो डेवलपमेंट्स आई, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आज ये क्वाड जो है, इसका जो डेवलपमेंट है, उस चीज़ को भी एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड, देखिए ये चीज़ें, अगर कोई मान लीजिए आज आपको डेफिनेटली पता है कि जो नेटो इतने न्यूज़ में है, या अलग अलग कंट्री, या रशिया का यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन है इस तरीके से, या इनफैक्ट कोई भी एस्पेक्ट है जो इंडिया को अफेक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें, ये जो हमारे यूपीएससी में के सिलेबस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली आ सकते हैं, प्लस इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी आंसर राइटिंग में या किसी एस्से राइटिंग में। इनफैक्ट प्री में भी क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ सकते हैं। अगर हम कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड, तो जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू फ्लोट द आइडिया, इन्होंने एक आइडिया जो है क्वाड के फॉर्मेशन के लिए दिया 2007 में। किसने दिया? उस समय के जो फॉर्मर हमारे जो जापानीज के, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने 2007 में इसका एक विजन दिया, इसका एक फॉर्मेशन के लिए बात कही, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन चार देशों के, नेशंस के, ये बराबर कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे फॉर्मली इनफॉर्मली मिलते रहे हैं। और इसका जो ओरिजिन है, ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो, जैसा हम एक्सरसाइज मालाबार की बात कर रहे थे, इसने भी बहुत हेल्प करी क्वाड के फॉर्मेशन में, प्लस जो 2004 का जो सुनामी था, जिसमें इंडिया ने बहुत बड़ा जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू का काम किया था, उसमें साथ साथ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज, प्लस साथ में बाद में यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसमें ज्वाइन किया था हमको, ये भी कहीं ना कहीं एक देखा जाता है। देखिए किसी भी रोड को बनने में एक समय लगता है, डेवलप करने में एक समय लगता है, एंड व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेटली एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई भी कंट्री अगर कोई चीज़ करती है दूसरे कंट्री के साथ में, तो उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, उसका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इम्पैक्ट जाता है, अलग कंट्रीज़ को भी उसका मैसेज जाता है। जब हम किसी कंट्री के साथ डायस शेयर करते हैं, किसी कंट्री के साथ डायलॉग्स करते हैं, किसी कंट्री के साथ हम सिक्योरिटी डायलॉग्स करते हैं, इस पर क्या होता है, जो अन्य देश हैं, जो अन्य कंट्रीज़ हैं, दे गेट अ मैसेज आउट ऑफ इट कि हमारा किस तरीके से हम चीज़ों को, किस तरीके से अपने रिलेशंस को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब अगर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड की बात करें, तो हमने देखा कि किस तरीके से जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में इसका विजन एक रखा फॉर्मेशन के लिए, फिर उसका एक्सरसाइज मालाबार जिसको हमने डिस्कस किया, इसने किस तरीके से हेल्प किया। हमने बात करा कि हमारी जो नेवल एक्सरसाइजेस थी वो 1991 जब एलपीजी पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी, उसके बाद से धीरे धीरे वो शुरू हो गई, और 2004 में जो सुनामी आया था और जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके रिलीफ के लिए जो इंडिया कर रहा था, उसके साथ में धीरे धीरे नेबरिंग कंट्रीज प्लस साथ में यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी जो है कहीं ना कहीं साथ में आए, और उससे एक मोमेंटम क्रिएट होता है।
देखिए, अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली वी डोंट नो कि हम उसके बारे में फॉर बोलें अगेंस्ट बोलें, लेकिन जब हम साथ आते हैं, साथ काम करते हैं, साथ डिस्कस करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें डेवलप होकर आती हैं। किसी भी चीज़ को एक सिंप्लीफाई वे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारी UPSC की जर्नी के लिए हेल्पफुल होगा। और किसी भी चीज़ को माउंटेन बना के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा दिक्कत होगी। अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये जो हमारे एक नेबर हैं चाइना, ये चाइना जो है कहीं ना कहीं बहुत सी हमारी चीज़ों को लेकर परेशान होता है। तो क्वाड एक ऐसी चीज़ है जो कि कह सकते हैं कि चाइना की आंखों में हमेशा से खटकता रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहती हैं कि ये जो फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि चाइना को उसमें से एक्सक्लूड किया गया है। और कहीं ना कहीं ये कहने का है कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं और जो अपना प्रेजेंस है वो और डोमिनेट करें इस रीजन में, और इस रीजन में जो पर्टिकुलरली बहुत से एरिया हैं जो चाइना कहता है कि नहीं, ये एरिया हमारे अंडर में है, ये पोर्ट हमारे अंडर में है, ये चीज़ ऐसे है, ये कंट्री हमारे अंडर में, तो इन सब चीज़ों से, चाहे वो वियतनाम की बात करें या कोई, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसमें डिस्प्यूट का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाइना की अगर बात करें तो सबको ये चीज़ पता है कि ये अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करने में बिलीव करते हैं। और ये जो क्वाड कंट्रीज़ का जो फॉर्मेशन है, ये शुरू से ही चाइना को खटकते रहा है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, है ना, US एंड चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से 2008 में विड्रॉ कर लिया। आप इमेजिन करिए, जो अभी मैं बात कर रहा था वो इस चीज़ से ही कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन आता है कि US एंड चाइना के कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया 2008 में इस क्वाड से बैक ऑफ कर लिया था। फिर उसके बाद 2010 में अगेन ऑस्ट्रेलिया जो है ज्वाइन किया क्वाड, है ना, ताकि उसने जो अपने नेवल एक्सरसाइजेज हैं या मिलिट्री के जो कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज, उसको हम रिज्यूम कर सकें, है ना। और अगर हम बात करें, जापानीज PM 2012 में इन्होंने बोला कि ये जो आइडिया है क्वाड का, ये एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड है एशिया के लिए, बिकॉज जहां पीस की बात होती है, जहां डेवलपमेंट की बात होती है, जहां पूरे एरिया को एज अ वन देखते हुए चीज़ों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ट्रू लेवल पे ग्लोबलाइजेशन की बात हो, तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो बेटर होगा। अब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, है ना, तो क्या प्रिंसिपल है, ऐसे एक कहीं ना कहीं एक सिद्धांत बोलें, प्रिंसिपल बोलें, या एक समथिंग विच टेक्स अस फॉरवर्ड, समथिंग जिसके साथ हम एक अबाइड बाई करते हैं कि भाई दिस इज समथिंग जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, दिस इज समथिंग जिसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, जिसका हम ध्यान रखेंगे। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्वाड की बात करें, है ना, तो सबसे पहला जो इसका जो एक प्रिंसिपल है, टू कीप द स्ट्रैटेजिक सी रूट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ बात हो रही है, किस रूट की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की रूट की बात हो रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट्स इन द वर्ल्ड। स्ट्रैटेजिक सी रूट्स की इन द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए, ये क्या है, इसका एक तरीके से मतलब है पीस, इसका मतलब है एक तरीके से इंकरेजमेंट टू द फ्री ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ गुड मतलब वो कंट्री टू कंट्री अगर उनके कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई ड्यूटीज हैं, लेकिन एटलीस्ट जो मूवमेंट है वो, तो जो रोड ब्लॉक्स की यहाँ बात हो रही है, रोड ब्लॉक तो कोई यहाँ ना रहे कम से कम, अगर रोड ब्लॉक है तो फिर वो हमारे डेवलपमेंट को डिक्रीज करेगा। यही इसका सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है, ये रूट को प्रोटेक्ट करना एंड किसी भी टाइप के मिलिट्री या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इस चीज़ को बचा के रखना। अब अगर हम बात करें
कि ये कहीं ना कहीं एक चाइनीज जो डोमिनेशन है इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, कहीं ना कहीं इस क्वाड के वजह से वो बहुत कम होता है और इसीलिए चाइना को इससे दिक्कत भी रहती है। और जो कोर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें क्वाड की, तो एक ग्लोबल, देखिए यहाँ पे बात कोई पर्टिकुलर चार कंट्री की नहीं है कि ये चार कंट्री उसके मेंबर्स हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो कंट्रीज वहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, वहाँ पे बिलोंग करती हैं एक्सेप्ट चाइना, वो सारी कंट्रीज को ले कर चल रहे हैं एक ग्लोबल, यू नो, एक ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की यहाँ बात हो रही है, है ना। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम, देखिए यहाँ पे पहले मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम करने की बात हो रही थी, और यहाँ पे हम लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम फिर आपका यही आ गया जो मैं फ्री ट्रेड एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स था एंड एनकरेजमेंट टू ट्रेड। देखिए ट्रेड होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा लोगों के जेब में पैसे जाएंगे, जब लोगों के जेब में पैसे जाएंगे तो एजुकेशन हेल्थ इम्प्रूव करेगा, जब एजुकेशन और हेल्थ इम्प्रूव करेगा तो उस कंट्री का डेफिनेटली जीडीपी एंड ओवरऑल जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है वो अच्छा होगा और ज़्यादा चीज़ें डेवलप होंगी। तो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, वो हमको समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारी कंट्री में जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो अच्छा है तो हमको, हमारे कंट्री पीपल को, हमारे जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो FDI के थ्रू आए हों, जो भी हों, उनको प्रॉस्पर करने का और उनको ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अब अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंसिंग है इसके ऊपर भी ये लोग जो है एक कॉमनली कहीं ना कहीं जो डेप्ट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, और अगर किसी रीजन में कोई प्रोक्योरमेंट या कोई डेवलपमेंट की बात है, कोई पैसे की कमी हो रही है, कोई दिक्कत है, तो डेप्ट फाइनेंसिंग को भी जो है कहीं ना कहीं ये नेशंस को इंडो पैसिफिक रीजन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली द अमाउंट विल बी बिगर। किसी भी तरीके से कहने का मतलब है इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे वो पीस हो, चाहे वो ट्रेड डेवलपमेंट्स हो, रूट प्रोटेक्शन हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करना, मिलिट्री इंटरफेरेंस को कम करना, गलत सेंस में मिलिट्री इंटरफेरेंस जो कि हमारे इस ट्रेड को, इस रूट को एक रोड ब्लॉक का काम करे, उस चीज़ को रोकना। अब अगर हम बात करें कि किस किस मेन एजेंडा पे, हमने कुछ चीज़ें जानी कि किस प्रिंसिपल्स पे क्वाड काम करता है, अब अगर हम जाने कि किस किस चीज़ों पे जो क्वाड लीडर हैं वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, व्यूज़ एक्सचेंज से बताएं, एक जो डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो व्यू एक्सचेंज से बहुत अच्छा आता है। जब हम एक अकेले अपने बूते पे चलते हैं और एक होता है चार लोग के साथ मिलके हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो विजन है, हमारी एक जो कंसेप्शन है वो और ज़्यादा क्लियर होती हैं और ज़्यादा साउंडली हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि हम अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, डेफिनेटली आज का जो डेट है, जो डिजिटल इकोनॉमी का जो समय है, डिजिटल इंडिया कैंपेन की हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन की हम बात करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिससे कि अपने कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, अपने टाइम को हम बचा सकते हैं, अपने प्रोसेस को हम एनहांस कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जब हम इंटरचेंज करते हैं टेक्नोलॉजी के अडेप्टेशन को, जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो होता है फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, ये कहीं ना कहीं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को उसका जो एक्सेप्टेंस है ना, मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बनाई, हमारा जो मेंबर्स है हमने उसको ट्रांसफ़र करा, उसने कुछ चीज़ बनाई, उसने हमको ट्रांसफ़र करी, तो जो इंटरचेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प्स अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर रीजन। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम पीछे फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे, अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रा नहीं होगा तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो आपके कहीं ना कहीं हिंडर होंगे, वो आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बात हो रही है। साइबर सिक्योरिटी, जितना हम ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उतना इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए एंड थ्रू आउट वर्ल्ड के लिए।
या हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे कि हमने देखा कि जो सुनामी आया था उस तरीके से किस तरीके से कंट्री आई साथ में, अभी कोविड आया था किस तरीके से कंट्री आई, कोविड में इसी क्वाड ने बहुत सारी कंट्रीज़ में वैक्सीन्स को जो है ट्रांसफ़र किया, वैक्सीन्स उपलब्ध कराए, वैक्सीन्स अवेलेबल कराने के बाद वहाँ के लोगों को जागरूक किया कि आप आइए वैक्सीनेशन कराइए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में आती है। डिज़ास्टर रिलीफ, कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई फ्लड आ गया, कोई साइक्लोन आ गया रीजन में, तो इसमें कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो कि रिलीफ मैनेजमेंट हो सकता है वो लिया जाता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज में अगर हम देखें सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर, फिर हम बात करते हैं सी लेवल की जो राइजिंग हो रही है ना। हम अक्सर सुनते हैं कि सी लेवल बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है भाई, जो बर्फ़ है जो आर्कटिक में है, जो कहीं हिमालयास में है, वो बर्फ़ धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेंगी, जब पिघलेंगी तो नदियों में पानी बढ़ेगा, जब नदियों में पानी बढ़ेगा तो ओवरऑल ओशेज में पानी बढ़ेगा, जब ओशेज में पानी बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वो धीरे 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 डूबने लगेंगे, वो पानी जो कोस्टल एरियाज को क्रॉस करके शहरों में और गाँव में अंदर आने लगेगा। ये मतलब होता है एक सी लेवल को इनक्रीज़ करने का, जो हम बात करते हैं वो सी लेवल इनक्रीज़ का ये मतलब है। और इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत बड़ा है, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, हर जगह ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जहाँ पर भी कोस्टल एरिया है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो सी लेवल इंक्रीज़ करने का, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारा जो हम पॉल्यूशन करते हैं, जो हम प्लास्टिक यूसेज करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों की, या जो हमने किया है इतने सालों तक उसका इम्पैक्ट है ये। एंड एजुकेशन, ये चीज़ें हम ऐसी देख रहे हैं कि कौन से एजेंडाज हैं, दीज आर बेसिकली नथिंग बट एजेंडाज जिस पे हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं और डेवलपमेंट को इंडो पैसिफिक रीजन के एंड कंट्री वाइज भी उन डेवलपमेंट्स को हम आगे लेके चलते हैं। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये डायरेक्टली भी आ सकता है आपके मेंस में, सिग्निफिकेंस फॉर क्वाड, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली है। अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करें क्वाड का, तो कहीं ना कहीं ये जो चाइना का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइज है ये इंडिया को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पावर भी देता है, प्लस एक मैसेज देता है वर्ल्ड को कि जो क्वाड है उसमें हम चार साथ हैं, एंड ये काउंटर करता है चाइना के इकोनॉमिक राइज एंड मिलिट्री राइज को। एज अ मेंबर ऑफ क्वाड, जो भी हमारे जो राइज हैं, जो चाइनीज़ होस्टिलिटीज़ जो बढ़ी हैं, या बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट्स हैं, या बॉर्डर पे कोई भी जो एक्टिविटीज़ है जो नहीं होनी चाहिए वो होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ये इंडिया इसको यूज़ कर सकता है, अपने रिलेशंस को, अपने क्वाड मेंबर्स को यूज़ कर सकता है इस चीज़ में, चीज़ों को डायलॉग्स प्रेजेंट करने में या उसको काउंटर करने में, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो पीसफुली प्रिवेल करें, एंड पीस हैज़ नो अदर वे, एक ही वे है उसका कि आपको डायलॉग से ही जो भी चीज़ें हैं उसको आपको सॉल्व करना है, बिकॉज वॉर इज़ डेफिनेटली नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो इंडिया का जो नेवल फ्रंट है ना, ये भी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी नेवी के लिए, कि वहाँ पे एक बहुत स्ट्रेटजाइज लोकेशंस हैं, प्लेसमेंट्स हैं, वो चीज़ वहाँ से की जा सकती हैं। अब वो कैसे हो सकती हैं, क्योंकि क्वाड के वजह से वो चीज़ें और आसान हमारे लिए हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि September 24, 2021 में US President जो बाइडन, फर्स्ट एवर इनका इन पर्सन समिट था क्वाड लीडर का, है ना, इसमें इन्होंने जो फ्री ट्रेड, ओपन ट्रेड एंड अनकंस्ट्रेंट कोअर्जन, कोई भी टाइप का रोड ब्लॉक ना होना, है ना, एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज था चाइना के लिए, है ना। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो इन्विटेशन दिया क्वाड समिट के लिए, इसको हमारे पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया, है ना,
जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया एंड जो भी इनिशिएटिव था वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक इन द आईज ऑफ चाइना उस चीज़ को फील कर रहा था। जबकि सच्चाई है कि ऐसा नहीं है कि क्वाड का फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए किया गया है, क्वाड का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर रीजन के लिए किया गया है, एक कम्प्लीटली उस रीजन को डेवलप करने के लिए किया गया है, ना कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए किया गया है। वे एग्जैक्टली बात कर रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट टू काउंटर चाइना, डेफिनेटली बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट है, जो रीजन है फॉर्मेशन का, वो बहुत बड़ा है, ना कि किसी एक कंट्री को काउंटर करने का, है ना। द क्वाड अरेंजमेंट गिव्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क मल्टीलैटरली ऑल काइंड ऑफ इनिशिएटिव दैट कैन हेल्प क्रिएट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है इंडिया को क्वाड के थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन में ओपनली फ्रीली ट्रेड को, पीस को, हर चीज़ को प्रिवेल करना एंड जो भी बाउंड्रीज हैं और जो ट्रेड का फ्लो है वो बेहतर तरीके से उस पूरे फ्लो को मेंटेन करना। चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने हमेशा से क्वाड के फॉर्मेशन को अपोज किया है और जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया भी इस चीज़ को बोला है, है ना। और कहीं ना कहीं चाइना ने ये भी, जैसे जो हमारी नेबरिंग कंट्री जो बांग्लादेश तक कोई बोला है कि इस फॉर्मेशन को, इस चीज़ को एकदम भी जो है ना कोऑपरेट ना किया जाए और कोई भी कोऑपरेशन कोई भी कंट्री ना दे, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, हमने बात करा कि वैक्सीन्स के लिए भी जो है किस तरीके से कोवैक्स के थ्रू जो है वहाँ पे जो क्वाड कंट्रीज़ थी उन्होंने चीज़ों में हेल्प किया और जो कंट्रीज़ जहाँ पे वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे कराई गई। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमने क्लाइमेट चेंज देखा, है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में हमने देखा और डेफिनेटली फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि क्वाड को आगे लेके चलता है, जो कि कहीं ना कहीं इसलिए भी क्योंकि इंडो पैसिफिक की अगर बात करें तो 60% ऑफ जो ग्लोबल वेल्थ है वो आपका इंडो पैसिफिक में है। 60, कैन यू इमेजिन, 60% ग्लोबल वेल्थ इंडो पैसिफिक में है, कितना इंपॉर्टेंट रीजन हो जाएगा स्ट्रैटेजिकली। और 3/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज देयर इन द इंडो। अब देखिए पॉपुलेशन दो चीज़ है, एक पॉपुलेशन आपका प्रोड्यूसर भी होंगे इसमें, है ना, एक इसमें होगा कंज्यूमर भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 60% ग्लोबल वेल्थ है, प्लस इनके पास बायोडाइवर्सिटी, बायोरिच है, बायोरिच मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, इतने डेवलप्ड अच्छे जो रिसोर्स हैं, मिनरल्स हैं, इनका पूरा ट्रेड रूट जो डेवलपमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंसी की फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती हैं। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, है ना, जो क्लाइमेट ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जो एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी को दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट करने के लिए, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें जो इसमें करंट की 2022 का जो क्वाड मीटिंग एजेंडा है जो अभी तक सामने आया है फिलहाल, कि बायलेटरल रिलेशंस यूएस से एंड अदर मेंबर कंट्रीज के साथ, डायलॉग ऑन द रीजनल डेवलपमेंट, किस तरीके से और ज़्यादा एंड और इफ़ेक्टिव वे से हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, रीजनल लेवल पे भी डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ पे बातें होंगी, डिस्कशन होंगी ग्लोबल इश्यूज़ पे, कोई भी, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज़ है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या वो किसी और चीज़ से, सोशल कॉज से रिलेटेड हो, उन चीज़ों पे डिस्कशन होगा ताकि उसका सॉल्यूशन आए और उसको इरेडिकेट किया जा सके। म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात होगी जिसमें दोनों कंट्री का फ़ायदा है, उन चीज़ों के बारे में बात होगी, डिस्कशन होगा और उसको फुलफिल किया जाएगा। फिर डेवलप स्पेशल स्ट्रैटेजीज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रैटेजीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के पास आयरन है, किसी के पास कोल है, किसी के पास ऑयल है, किसी के पास सीमेंट है, किसी के पास कोई दूसरी चीज़ है, तो इंटरचेंजिंग ऑफ रिसोर्सेज
एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफर दोज रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर है। और जो हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उस पार्टनरशिप को हम डेवलप कर सकते हैं कि कुछ चीज़ हमने दी, कुछ चीज़ वहाँ से ली, एक कंट्री में उसको असेंबल किया और उसको पूरी दुनिया भर में सेल किया। इस तरीके से हमने देखा इन शॉर्ट की क्वाड का फॉर्मेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से चाइना परेशान है जिसके लिए कोई ज़रूरत है नहीं बट वो परेशान है, किस तरीके से इंडिया को और ये जो करंट 2022 का समिट है वो पूरी दुनिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इस समय इस दौर पे, जबकि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस इस समय चल रहे हैं जिसका सॉल्यूशन डेफिनेटली पीस के अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।